नमस्कार, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर शो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। टुडे इज 25th सितंबर 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द हिस्ट्री। ऑन दिस डे इन 1932 Pune Pact was signed between Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar in India, reserving legislative seats for depressed classes. आइए क्विज शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। आज ही के दिन सन 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में अछूतों के अधिकारों के लिए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन एक महान शख्सियत का जन्मदिन भी है, उनका नाम है दीन दयाल उपाध्याय। नाउ लेट्स डिस्कस द करंट अफेयर्स क्विज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस इन मालदीव्स, एंड द पर्सन हु हैव वॉन दिस इलेक्शन इज इब्राहिम मोहम्मद सोली, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द पर्सन हु हैव वॉन दिस इलेक्शन। हिज नेम इज इब्राहिम मोहम्मद सोली। Now let me give you the basic information about Maldives. Capital of Maldives is Male, currency is Maldivian Rufia. Now let's discuss the same question in Hindi. Maldives के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? Maldives के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली चुने गए हैं। ये Maldivian Democratic Party के नेता हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको Maldives को दुनिया के मानचित्र पर। ये है Maldives जो हरे रंग के एक वृत्त के अंदर निहित है। मालदीव के बारे में बताएं, मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपिया। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। हाउ मेनी कंपनीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय आरबीआई फॉर सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज सीआईएमएस, एंड टोटल 5 कंपनीज हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस सीआईएमएस। दीज कंपनीज आर, फर्स्ट इज इंफोसिस, सेकेंड इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज TCS, थर्ड इज कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया, फोर्थ इज IBM इंडिया, एंड लास्ट फिफ्थ इज लार्सन टुब्रो इन्फोटेक। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। RBI के द्वारा कितनी कंपनियों को केंद्रीकृत जानकारी और प्रबंधन प्रणाली के लिए नामित किया गया है? कुल कंपनियां 5 हैं जिनको नामित किया गया है, और ये कंपनियां इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर है कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया, दूसरे नंबर पर है IBM इंडिया, तीसरे नंबर पर है इन्फोसिस, चौथे नंबर पर है लार्सो एंड टुब्रो इन्फोटेक, और पांचवें नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर थ्री। विच स्पेस एजेंसी हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग 2 अनमैन्ड रोवर्स ऑन एन एस्टेरॉयड सक्सेसफुली, एंड द स्पेस एजेंसी ऑफ जापान दैट इज JAXA has created history by landing 2 unmanned rovers on an asteroid. The name of the asteroid is Ryugu, that is Ryugu. Now, let me give you the basic information about Japan. The capital of Japan is Tokyo, currency is yen, and the president of Japan is Shinzo Abe. Now, let's discuss the same question in Hindi. कौन सी देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना रोवर घुमंतु रग्यु नाम के छोटे तारे पर उतारा है? और ये एजेंसी है जापान देश की, जिसका नाम है जाक्सा, और ये जापान देश का नक्शा है विश्व के नक्शे पर। ना जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, और जापान के राष्ट्रपति हैं शिंजो आबे। Now let's discuss question number 4. BRICS New Development Bank has approved $525 million loan for which state of India, and it has approved this loan for Madhya Pradesh. Now let me give you the basic information about Madhya Pradesh. Capital of Madhya Pradesh is Bhopal. Chief Minister of MP is Shivraj Singh Chauhan. Governor of MP is Anandi Ben Patel. Now let me give you basic information about BRICS Development Bank. CEO of this bank is KV Kamath, and headquarter of this bank is in Shanghai, China. Now let's discuss the same question in Hindi. BRICS ने भारत के किस राज्य के लिए
525 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है और यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप भारत के नक्शे पर लाल रंग से प्रदर्शित हुआ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट के CEO हैं KV कामत और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैज टॉप्ड द चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड द स्टेट हु हैज टॉप दिस चार्ट इज आंध्र प्रदेश। एट द सेकेंड स्पॉट वॉज उड़ीसा एंड एट द थर्ड स्पॉट इज MP। नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आंध्र प्रदेश। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती। CM ऑफ आंध्र प्रदेश इज N चंद्रबाबू नायडू एंड गवर्नर इज ESL नरसिम्हन। नाउ इन हिंदी, किस राज्य को जीवन सुगमता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यह राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ साधारण जानकारी। आंध्र प्रदेश, जैसा कि आप भारत के नक्शे पर लाल रंग से प्रदर्शित देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश पाल ESL नरसिम्हन है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरसेप्टर मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट। द नेम ऑफ द मिसाइल इज पृथ्वी। दिस मिसाइल इज कैपेबल ऑफ एंगेजिंग द टारगेट्स इन द एग्जोस्फियर रीजन दैट इज अबाउट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। उस इंटरसेप्टर मिसाइल का क्या नाम है जिसका उड़ीसा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी। रक्षायान, यह मिसाइल वायुमंडल में 50 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम होगी। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। खेल के मैदान से कुछ प्रश्न। हु हैज वॉन मेन्स सिंगल्स बैडमिंटन चाइना ओपन टाइटल एंड इट हैज वॉन बाय एंथनी सिनिसुका गिटिंग। ही इज द पर्सन हु इज फ्रॉम इंडोनेशिया हु हैज वॉन दिस मेन्स सिंगल टाइटल। ही हैज बीटन जापान्स केंटो मोमोटो। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम क्वेश्चन इन हिंदी। चीन ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है और यह जीता है एंथनी सिनिसुका गिटिंग ने। ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और इन्होंने जापान के केंटो मोमोटो को हरा कर यह टाइटल, ये खिताब जीता है। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग 2018 एंड टोटल मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया आर 13। इन दीज 13, 6 आर गोल्ड, 5 आर सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। With these 13 medals, India was at the first spot, second spot was taken by Indonesia, third was covered by Hong Kong. Now in Hindi, भारत ने ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग में कितने पदक जीते हैं। भारत ने इसमें कुल 13 पदक जीते हैं जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। इन 13 पदकों के साथ भारत प्रथम स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर हांगकांग। यह प्रतियोगिता भारत के दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स क्विज यहीं ख़त्म होता है। आपको देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।